जैसी जैसी कोई नहीं। यार पहले तो मैं तुझे कॉन्ग्रेट्स कह दूं, इस बार तूने वो दोस्ती और हमदर्दी का खेल बहुत अच्छा खेला। पर जैसे पहले जस्सी पर जाल बिछाने में तुझे मेरी जरूरत पड़ती थी ना, आगे भी पड़ेगी। हमेशा की तरह तेरा दोस्त, तेरा हमराज, तेरा कार्ड लिखने वाला हाजिर है। इस पैकेज में वो सारा सामान है जो तुझे जस्सी पर जादू बनाए रखने में मदद करेगा। तो ये कुछ कार्ड हैं जो मैंने तेरे लिए तैयार करके रखे हैं, तो टाइम टाइम पर उसे देते रहना। कार्ड जनरल टाइप के हैं ताकि तू किसी भी कार्ड को किसी भी वक्त दे सकता है। वो भी सोच रही होगी कि अब मल्लिका नहीं है, तू अपना सारा टाइम उसी को देगा। तू भी मौका जाने मत दे, ऐसा बनना जैसे दुनिया में तुम्हारे लिए उसके सिवा और कोई है ही नहीं। खुश हो जाएगी। मेरे लिए दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट लड़की तुम, पहले कैसे भी जाना। बट नाउ बैक टू भक्ति उर्फ जस्सी। फैशन फिएस्टा के बाद शानदार डिनर पे लेके जाना और वही कोई अच्छा सा गिफ्ट भी दे देना उसको। अरे कुछ भी सैंडी सा कह देना यार, खुश हो जाएगी, जैसे कि तब हो गई थी मेरे घर पर जब तू उसको लेकर आया था। मैं तुम्हें अपना कुछ भी नहीं दे रहा जस्सी, कुछ भी नहीं, बल्कि तुमसे तुम्हारा एक दिन उधार मांग। अरमान सर ये कहाँ ले आया? वेल जैसी ये एक खास जगह है, एक खास सरप्राइज है। मेरा वॉचमैन तक मेरा मजाक उड़ाता है कि तू वहां पर किसको लेकर आया। मुझे पता है कि तू उसके साथ पब्लिक में दिखने में कितना एम्बैरेस फील करता होगा, पर तूने सब कुछ किया बड़ी अच्छी तरह से, उसे जरा भी शक नहीं होगा। अब वो तुझ पे पूरा भरोसा करती है। अभी वो नाजुक हाल में भी है, इसलिए मौका अच्छा है कोहिनूर को उसके और उस नंदू के हाथ से वापस लेने का। इसके लिए तुझे उसकी बदसूरत शक्ल बर्दाश्त करनी होगी। जैसे ही हम लॉस से बाहर आ जाएंगे, वो खुशी खुशी सीईओ की पोस्ट से रिजाइन कर देगी और कोहिनूर भी तेरे हवाले कर देगी। याद रख, एक तरफ जस्सी की भद्दी शक्ल है, दूसरी तरफ गुलमोहर है। बस कुछ दिन उसके भद्देपन को सहले, फिर जिंदगी भर के लिए गुलमोहर तेरा हो जाएगा। यार डोंट वरी, हिम्मत रख, हर हाल में और हमेशा तेरा दोस्त राज। मैं वो अरमान से मिलने आई हूँ, उनसे अभी तक मीटिंग ही नहीं हुई मेरी। हाँ, उनका केबिन ऊपर है फर्स्ट फ्लोर में। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स, आई विल सी यू सून। या Excuse me? Yes? Hmm?
मैडी ने कहा था कि मैं अरमान सूरी से मिल लूं। वो अभी यहाँ नहीं आया। तुम ठीक तो हो ना? मुझे क्या होगा? सॉरी, लेकिन लगता है कुछ तो है। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? नहीं, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ओके, वो तो बस तुम्हें इस हालत में देखा तो सोचा पूछ लूं, पर मैं तुम्हारी परेशानी और बढ़ाना नहीं चाहती। मैं बिना मतलब आप पर चिल्ला पड़ी। जस्सी, बात क्या है? जो बात है वो आप जैसी औरत कभी नहीं समझ पाएगी। आप यहां बैठिए, मिस्टर अरमान सूरी आते ही होंगे। Sorry, I'm disturbing you again. पर मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन सी बात है जो मुझ जैसी औरत नहीं समझ सकती। Please, please, ma'am. देखो, ऐसी हालत में अकेले होने से तो अच्छा है कि कोई तुम्हारे साथ हो। जो बात है मुझसे कहो ना, शायद तुम्हारा मन हल्का हो जाए। जो बात है वो आप जैसी औरत कभी नहीं समझ सकती, क्योंकि क्योंकि आपके साथ ये सब कभी नहीं हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, और ना ही कभी हो सकता है। पर तुम ये सब कैसे कह सकती हो? तुम तो मुझे जानती भी नहीं हो। आप भी तो नहीं जानती है ना मुझे कि क्या क्या होता है मुझ जैसी लड़कियों के साथ। क्या किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है? दिल? क्या कभी किसी ने जाना है कि मेरे पास भी दिल है? क्या कभी किसी ने सोचा है कि मेरा भी दिल टूट सकता है? नहीं, मैंने कहा ना आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपने कभी ना मेरी जिंदगी जी है और ना ही कभी जिएंगी। आपके साथ ये सब कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। पर क्या नहीं हो सकता है मेरे साथ? सुनना चाहती है ना आप? तो सुनिए, आपके साथ ये सब कभी नहीं हो सकता क्योंकि आप खूबसूरत हैं, सुपर मॉडल हैं आप। मैं नहीं हूं। दुनिया का हर आदमी आपको देखना चाहता है, आपकी पूजा करना चाहता है, आपको पाना चाहता है। मुझे नहीं, मुझे नहीं, मुझे नहीं। मैं तो वो जिसे दुनिया का हर आदमी बस एक हंसी उड़ाने की या फिर ताने कसने की चीज समझता। अगर गलत से भी कोई मेरे पास आ गया ना, तो सिर्फ अपने किसी फायदे के लिए या किसी मकसद के लिए। प्लीज आप जाइए यहां से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। मैं जो तुमसे अब कहने जा रही हूं, तुम अब शायद ना समझो और समझना चाहो भी नहीं, पर दुख चेहरे देखकर नहीं आते। मैं भी रोई हूं जस्सी, तुम्हारी तरह। मेरा भी दिल टूटा है, मेरा भी लोगों ने मजाक बनाया है जस्सी, जैसे मैडी ने कल तुम्हारा बनाया।
लेकिन आपकी किस्मत तो अच्छी थी ना कि समय के साथ आप वो बन गए जो आज हैं। कई लोगों की शक्ल तो किस्मत के साथ ही बदल जाती है या फिर ऑपरेशन करा के। मैं तो उन लोगों में से हूं जिनकी जिनकी ना तो किस्मत बदलती हो ना ही शक्ल। बदसूरत पैदा होते हैं और बदसूरत ही मर जाते हैं। मेरी तरह ना समय ने मेरी सूरत बदली जैसी, ना किसी ऑपरेशन ने। मेरी जिंदगी, मेरी किस्मत तो तब बदली जब मैंने अपने आप से प्यार करना सीखा, खुद की इज्जत करना सीखा। तुम्हें शायद ये बात अजीब लगे जैसी, लेकिन टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए शीशे में दिखने वाली खूबसूरती काम नहीं आती, ना किसी सुपर मॉडल का ताज। सबको लगता है खूबसूरत होने का मतलब है जिंदगी बड़ी आसान होती होगी। प्रॉब्लम्स हर किसी की जिंदगी में होते हैं जस्सी। अगर तुम अपने आप को पूरी दुनिया में अकेला महसूस कर रही हो तो ये अकेलापन हर किसी को सताता है। मैं भी वही चाहती हूँ जस्सी जो तुम चाहते हो, कि मुझे भी कोई ऐसा मिले जो मुझसे प्यार करे, मेरी शक्ल से नहीं। जस्सी, जाने से पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ जो किसी ने मुझसे कहा था। जस्सी, चाइनीज लैंग्वेज में एक ही अक्षर का मतलब निराशा भी है और आशा भी। मतलब जहां दुख है वहां सुख के आने का संकेत भी है। तुम्हारी जिंदगी में ये आज क्यों आया, अगर तुम ये बात समझ सको तो ही तुम अपने कल को बेहतर बना सकोगी। जस्सी, आई होप कि तुम ये कर पाओगी। जैसी गुड लक। इंटरनेशनल मार्केट में फैशन शो के अलावा एक एग्जीबिशन हॉल होता है जहां बायर्स आपके फैब्रिक्स को सिर्फ देख ही नहीं छू भी सकते हैं, क्योंकि उनके लिए फैब्रिक्स की वीव, उसका फील, उसका टेक्सचर भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना कि लुक। समझ रहे हो मेरी बात? यस नंदिनी, मैं समझ रहा हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे लाजवाब कपड़े एक बड़े से हॉल में ठीक उसी तरह दिखाए जाएंगे जिस तरह एक मशहूर पेंटर की पेंटिंग दिखाई जाती है, जैसे कि हुसैन रवि वर्मा, अंजलिला मेनन। एंड फाइनली मुझे वही सम्मान मिलेगा जिस पर मेरा हक है। ऑफ कोर्स, लेकिन कला की बातें उस आदमी को कहाँ समझ में आएंगी जिसके पास तिजोरी की चाबी होती है। वो अरमान, वो अपनी जेब ढीली करेगा क्या एक इंडिविजुअल शो के लिए? इस वक्त अरमान सूरी का ध्यान पैसे पे नहीं है, नेत्रा पे है। माय गॉड, नेत्रा नेती बेटी। यस नंदिनी, जाके देखो ना इफ एवरीथिंग इज ओके। तुम मुझसे जासूसी करवाना चाहते हो? नो हनी, नॉट एट ऑल। ओके ओके, नेती के वेल विशर, तुम्हें सिर्फ गॉसिप चाहिए, गॉसिप। और ये कार्ड तो उसे फैशन फिएस्टा में ले जाने के बाद देना। इसमें वही लाइन है जो तूने उस फैशन एग्जीबिशन में उस पर चिपकाई थी, बड़ी खुश हुई थी, रिमेम्बर? जब अंदर की खूबसूरती बाहर आती है ना, तो आंखों से नहीं दिल से बातें करती है। मेरे घर पर वो तेरे से बड़ी इंप्रेस हुई थी कि अपनी दुख भरी बूहू हू कहानी तुझे सुना डाली। ऐसे मौकों की तो बार बार याद दिलानी चाहिए उसे, इसलिए ये कार्ड कल जस्सी के टेबल पर होना चाहिए। एक स्पेशल दिन, कुछ स्पेशल बातें, उसकी एक स्पेशल सी याद। ये फैशन फेस्टा में ले जाने के बाद, खूबसूरत वो नहीं जिसकी खूबसूरती तब तक है जब तक वो पास है, खूबसूरत वो है
जिसके जाने के बाद भी उसकी अच्छाई का एहसास है। अब तक तो वो तेरे दोस्ती के ड्रामे में पूरी तरह फंस चुकी होगी। और ये रहा मास्टर स्ट्रोक, उसके लोहे की ब्रेसेस वाली स्माइल पर तेरी ये बढ़िया सी लाइन। तुम मुझे स्माइल करते हुए बहुत अच्छी लगती हो और मुस्कुराया करो। तुम्हारा दोस्त अरमान। जस्सी आप नेत्रा अभी अरमान के साथ ही थी ना? अरमान सर अभी आए नहीं है और नेत्रा मैम अभी और उनके लिए वेट नहीं कर सकी तो वो चली गई। जस्सी तुम ठीक हो? रो रही हो? देखो मैं आज तुमसे पहली बार ही मिली हूं लेकिन पता नहीं क्यों तुमसे एक अपनापन सा फील हो रहा है। आई नो तुम मुझे नहीं जानती लेकिन फिर भी अगर कुछ कहना चाहती हो तो बात कर सकती हो। नहीं बस जुकाम है, अभी ठीक हो जाएगा। इस ऑफिस में इतनी धूल मिट्टी है कि अगर यहाँ रहोगी तो जुकाम से ज्यादा भी कुछ हो सकता है। शायद हो भी है। आई होप नॉट। एनीवे अरमान आए तो कहना कि मैं उसे बात करना चाहती हूँ। ओके ठीक है। ये सच नहीं हो सकता, ये मजाक है। मैं इसे ऐसे ही सीरियसली ले रही हूँ। राज सर ने मजाक किया। राज सर की तो आदत है ना। ये सच नहीं हो सकता। सोचने वाली बात ये है कि खाया क्या होगा उन लोगों ने। अरे ये सोच के बातें क्या की होगी? हाँ। तुझे बताया? नहीं तो तुझे बताया? आर ये पूछते जस्सी। ओए जस्सी, लंच खा लिया ना? अब हम पर तरस खाओ। हाँ बताना जस्सी, लंच में क्या हुआ? बोलना। कौन सा लंच? कौन सा लंच? अरे जिसमें तू थी, मलिका मैम थी और लंच था। हाँ? वो वाला लंच। हाँ? उसी लंच में बताना क्या हुआ। बताना, बताना। बताने वाली क्या बात है? कुछ नहीं हुआ। जस्सी, जस्सी, जस्सी,
जस्सी, ये पैकेट अभी भी तेरे पास है? ये तो अरमान सर का है ना? ला, मैं दे दूंगी। नहीं। क्या हुआ? ये पैकेट मैं नहीं दे सकती अरमान सर को। एक अधूरा काम है जो मुझे पूरा करना है। जैसी ऐसी कोई नहीं, जैसी जैसी कोई नहीं।